तो भाई लोग कैसे हो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुम ले सकते हो M416 ग्लेशियर। जैसे कि तुम्हें पता होगा BGMI में M416 ग्लेशियर जो था वो गायब हो चुका था, लेकिन अभी वो आ चुका है। एंड इसके अलावा ये तो PUBG मोबाइल में ऑफकोर्स ये कभी गया नहीं एंड वहाँ पे अभी भी है। तो अभी हम बात करते हैं कि बेसिकली तुम इसको कैसे निकाल सकते हो एंड तुम इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें कुछ टिप्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करनी है एंड उसके बाद तुम्हें भी यार मिल जाएगा M416 ग्लेशियर। एंड अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक M416 ग्लेशियर है तो उसके बाद अगर तुम्हें दूसरी बार M416 ग्लेशियर मिल जाता है तो उसके बदले में तुम्हें 3 मटेरियल्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से तुम अपने M416 ग्लेशियर को अपग्रेड कर सकते हो। एंड उसके बाद तुम्हारे पास जो मतलब कि इफेक्ट होता है वो तुम्हें मिल जाएगा बिल्कुल मजे से। लेकिन यार फुल अपग्रेड करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए होंगे M416 ग्लेशियर। अगर वो निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें यूसी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम्हें और मिल जाएंगे मटेरियल्स जिसकी मदद से तुम इसे M416 को पूरा मैक्स कर सकते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली M416 ग्लेशियर को कैसे निकालें एंड इसका क्या ट्रिक है जिसकी मदद से हमें M416 ग्लेशियर मिल जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली टिप है जिसको तुम्हें सही से फॉलो करना है वो ये है कि तुम्हारे पास कूपन्स होने चाहिए। अभी मैं 100 कूपन्स का नहीं बोलूंगा क्योंकि 100 कूपन्स होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अगर 10 भी होते हैं तो भी हमारा दिल करता है कि हम ओपन कर लें, लेकिन 100 कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अभी जमा करने हैं टोटल 20 कूपन्स को जमा करो। 20 करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक दिन में 5 या 6 बन जाते हैं हमारे पास कूपन्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई इवेंट्स ओपन करो, वहां पे हमारे पास स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं किसी ना किसी सर्वर पे, ये वो, तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा क्लासिक के स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं। तो उसकी मदद से हम कूपन बनाते हैं एंड उसके बाद हम ओपन करते हैं। तो अभी तुम्हें 20 कूपन्स को जमा कर लेना है एंड उसके बाद तुम्हें सेकंड ट्रिक को फॉलो करना है वो ये है। एंड ये पुरानी ट्रिक है लेकिन अभी यार इसको हम थोड़ा सा न्यू करते हैं क्योंकि ओल्ड अभी यार ओल्ड हो चुकी है। तो अभी वो जो ग्लिच था वो फिक्स हो चुका है कि पहले यार विक्टर लगाओ, विक्टर के मतलब कि विक्टर लगाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं जैसे कि ग्लेशियर हो गया या बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसी मिल जाती हैं जो कि तुम बोलते हो कि विक्टर लगाने से मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई भी डिफॉल्ट करेक्टर लगा लेना है, कोई भी करेक्टर नहीं लगाना, ठीक है। अब यह दूसरा ट्रिक है, इसको सही से फॉलो करना, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें डिफॉल्ट करेक्टर लगा लेना है, वो मेल हो या फीमेल हो वो तो पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपना मेन करेक्टर लगा लेता हूँ जो कि काफ़ी सही है। तो तुम्हें मेल लगा लेना है या फीमेल लगा लेना है वो तुम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने ये वाला करेक्टर लगा लिया है। तो उसके बाद तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ओपन कर लेना है अपने जो कूपन्स हैं, तुम्हें 20 तुम्हारे पास होने चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें ये मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑफकोर्स है नहीं 20, तो मेरे पास जो भी है मैं इसे ओपन करता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। लेकिन ये ऑफकोर्स मुझे नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कि बेसिकली तुम्हें क्या मिलेगा, किससे मिलेगा, वो मैंने तुम्हें पूरा का पूरा तरीका बता दिया। एंड इसके अलावा मैंने तुम्हें यह बताया कि तुम्हें कौन सा करेक्टर लगा लेना है, तुम्हें डिफॉल्ट करेक्टर लगा लेना है। तो यही जो चीज़ें थी ये तुम्हें फॉलो करनी है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि मेन चीज़ यह भी है, इससे भी यार M416 ग्लेशियर के निकलने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये वाला ट्रिक क्या है, तो बेसिकली ये वाला ट्रिक ये है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें M416 ग्लेशियर को ढूंढ लेना है एंड उसके बाद उस पर टैप टैप करते रहना है। अगर तुमसे टैप टैप इतना नहीं होता तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें प्ले स्टोर पर वहाँ पर जाकर लिख लेना है टैप टैप एप्लीकेशन, तो वहाँ तुम्हें एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, तुम कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं तुम्हें एक रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज अगर मैं तुम्हें एक रिकमेंड करूँगा तो तुम बोलोगे कि यार तुम्हें एड्स मिले हैं तभी तुम रिकमेंड कर रहे हो। तो तुम यहाँ पर आकर कोई भी डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके बाद वो जो एप्लीकेशन होगा वो टैप टैप करना वो खुद स्टार्ट कर लेगा एंड वो 10 से 12 बार टैप टैप करेगा। तुम जितनी बार करना चाहते हो उतनी बार करो, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि 10 से 12 बार जरूर से करो एंड उसके बाद तुम्हें ओपन कर लेना है, मतलब कि सिंगल पे ओपन करना है, ओपन 10 नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि बहुत सारे बंदे करते हैं। उन्हें मैंने बोला था कि 100 कूपन जमा करो, लेकिन उन्होंने 20 या 30 जमा किए, वो सही था लेकिन हो जाता उनका, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने ओपन 10 कर लिए एंड उससे कुछ हुआ नहीं एंड उन्हें कुछ मिला नहीं। तो वो आ गए यार हमें कुछ मिला नहीं है, यार तुम ओपन 10 मत करो, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि तुम लोग करते हो। तो ओपन 10 मत करो। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये जो टिक लगा होता है ना एस्केप वाला, इसको हटा दो, वो जो ड्रॉप गिरता है पूरा उसे गिरने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा मुझे पता है, लेकिन यार तुम्हें M416 ग्लेशियर मिल सकता है, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो जो जो चीज़ें हैं ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इन्हें बिल्कुल सॉल्व करो एंड उसके बाद तुम्हें M416 ग्लेशियर मिल जाएगा। अगर तुम्हें मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वो लक पे भी डिपेंड हो जाता है। अगर तुम्हें लक होगी तो ऑफकोर्स तुम्हें मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, तुम्हें एक पे ही मिल जाएगा। अगर लक नहीं होगी ना तो तुम 1000 ओपन कर लो तुम्हें कद्दू कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब जाओ एंड अपने जो कूपन से उन्हें जमा करो एंड उसके बाद तुम्हारी लक कैसी है मुझे बता देना यार कमेंट में, तुम्हें मिला कि नहीं मुझे बता देना यार, मेरे को यार कद्दू कुछ नहीं मिलता है, ट्राई करूंगा यार मैं भी जमा करता हूं। अब ये ट्रिक चल रहा है, ये चलेगा मैं भी, मेरे हिसाब से 1 महीने तक चलने वाला है ये वाला ट्रिक। तो थोड़ा सा इससे मतलब के यूज करो, मैं भी यार तुम्हें मिल जाए। तो खैर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो ना तो नीचे लाइक
लाइक का बटन होगा उसे दबा देना, एंड उसी के साथ साथ थोड़े ही नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा जो कि रेड कलर में है, उसे दबा दो यार। अगर रेड कलर से वो दूसरा कलर है तो कोई बात नहीं है, बस तुम्हें बेल आइकन को देख लेना है, अगर वो ऑल पे है तो और भी सही है। तो खैर, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।